इंदौर क्राइम ब्रांच ने सातिर नकली नोट छापने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी के पास से 2,53,100 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। आरोपी राजकुमार सब्जी मंडी में 100, 500 और 2,000 रुपए के नकली नोट खपाने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अज रतन पिता अनिल तावड़े उम्र 25 साल निवासी लियाकत अली का किराए का मकान अखिल राज हॉस्पिटल के सामने हल मस्जिद की गली थाना आजाद नगर जिला इंदौर बताया। आरोपी अपने घर ही लैपटॉप और प्रिंटर के माध्यम से नकली नोट छाप रहा था। पुलिस के द्वारा आरोपी के घर से एक लैपटॉप प्रिंटर नोट छापने में उपयोगी A4 साइज के कागज 100 500 और 2000 के मार्क में उपयोग किए असली 2-3 नोट और कागजों पर छापे 100 500 2000 रुपए के प्रिंट नोट भी जब्त किए हैं। इसके अलावा नकली नोटों को काटने में उपयोग में लाने वाले ग्लाव्स कटर व स्कैन भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नोट खपाने के लिए मजदूर वर्ग व गांव वाले दुकानदारों को अपना निशाना बनाता था। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न प्रकार के 3 अपराध भी पंजीबद्ध हैं। आरोपी कक्षा 12वीं तक पढ़ा लिखा है और केसर बाग रोड फ्राइट क्लब में ट्रेनिंग का काम करता है। आरोपी ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रुपए प्रिंट करने की जानकारी हासिल की थी। नकली नोट छापने की न्यूज देखने के बाद आरोपी ने हाई क्वालिटी का प्रिंटर भी खरीद लिया था। आरोपी को पकड़ने में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर हरि नारायण चारी मिश्र, पुलिस महा उप निरीक्षक शहर मनीष कपूरिया, पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पारासर, क्राइम ब्रांच की टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आदर्श न्यूज के लिए इंदौर से पत्रकार नितिन कनारे की रिपोर्ट।